हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विभा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम रेटिंग करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त, वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके बारे में। लाइक मैं लास्ट हफ्ते की रेटिंग करी थी, नेक्स्ट 24 आवर पार्टनर की फीलिंग, उसके बाद मैंने नहीं करी थी। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की जो है फीलिंग क्या है आपके लिए, करंट फीलिंग क्या है। या फिर किसी कह सकते हैं कि लाइक इन 24 घंटों के दौरान वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या वो आपको लेकर सोच रहे हैं, क्या उनके में कुछ चल रहा है। तो ये चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की नेक्स्ट 24 आवर फीलिंग या फिर करंट फीलिंग क्या है। चलिए चेक करते हैं। तो ये सभी जोड़क साइन के लिए है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पर नेक्स्ट फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है सिक्स ऑफ सॉर्ड बात कर रहा है मूवमेंट के बारे में। एंड चलिए और देखते हैं मूवमेंट के बारे में। साइन की बात कर लूँ मैं अगर यहाँ पर, तो ये एक्वेरियस साइन है यहाँ पर। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ आया है नाइन ऑफ सॉर्ड यानी कि यहाँ जेमिनाइज हैं, एक्वेरियस है, जेमिनाई है। साइन की बात हो रही है यहाँ पर, ये जोडेक साइन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ एस ऑफ कप है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। एस ऑफ कप बात करता है यहाँ पर डिवाइन लव के बारे में, सबसे पावरफुल कार्ड होता है ये एस ऑफ कप, डिवाइन लव के बारे में करता है, पॉजिटिव एनर्जी की बात करता है। नेक्स्ट पेज ऑफ कप अगेन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ आया है थ्री ऑफ पेंटिकल। ओके, काफ़ी मेहनत चल रही है आपके पार्टनर की तरफ से। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ है द मैजिशियन। वेट अ सेकंड। एंड नेक्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ है द लवर्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास यहाँ पर आया है सिक्स ऑफ कप, अंधेरे सिक्स ऑफ कप। ये सोलमेट की एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर, आप खुद देखिए। सिक्स एंड सिक्स दोनों वीनस के कप है, वीनस के कार्ड है यहाँ पर। और ये सॉलमेट की बात कर रहा है, ये भी सॉलमेट की बात कर रहा है, रीयूनियन रिकनेक्शन के बारे में, रिकन्सिलेशन के बारे में। एंड दिस इज़ अगेन, ये भी रिकन्सिलेशन के बारे में ही बात कर रहा है। देख रहे हैं ना, कोई पर्सन जो है किसी पर्सन से मिल रहा है, और यहाँ पे एक कप है जो इस पर्सन को वो दे रहा है। इस तरीके से मैं बात कर सकती हूँ कि यहाँ पर जो है प्रपोजल जो है दिया जा रहा है किसी प्रकार का। आप देख सकते हैं इसके पास एक कप है, ये कप इस पर्सन को दे रहा है यहाँ पे ये पर्सन, यानी कि किसी प्रकार का जो प्रपोजल है यहाँ पे एक्सचेंज किया जा रहा है, दिया जा रहा है, कुछ इन्विटेशन दिया जा रहा है। हो सकता है कि मे बी आप में से कुछ के जो पार्टनर है, आप ही के जो कलीग हो सकते हैं, आपके स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, आपके नेबरहुड में हो सकते हैं, जिन्हें आप बहुत अच्छे से बहुत पहले से ही जानते हैं यहाँ पर, क्योंकि किसी ये किसी अपने की एनर्जी है, किसी खास की एनर्जी जिसे आप ऑलरेडी बहुत पहले से जानते हैं, ठीक है। और ये जो बात करता है आपके सोलमेट एनर्जी की बात कर रहा है, एक साथ दिखा रहा है कि लेकिन आपके इस रिलेशनशिप पे जो है डिवाइन की एनर्जी है, कुछ ना कुछ है जो इस रिलेशनशिप में आपके लिए जो है एंजल ने रखा हुआ है, छुपाया हुआ है, जो अभी आपको पता नहीं है, ठीक है। एक तरीके से ये दिखा रहा है कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा पैशन है, फायर है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इनके यहाँ पे आग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे फायर की बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा पैशन दिखा रहा है आपके इस रिलेशनशिप में, ठीक है। एंड अगर मैं बात करती हूँ आप में से कुछ लोगों की लाइफ में, लाइक चीज़ें जो है सही नहीं चल रही थी, लाइक चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा अप डाउन फेस कर रहे थे, हो सकता है कि आप में से जो आप दोनों में से एक पार्टनर जो है वो मूव ऑन कर गया, आपको छोड़ के जो आगे बढ़ गया है। बट मैं देख पा रही हूँ आगे बढ़ने के बाद भी जो है उन्हें यहाँ पर जो है राहत नहीं मिल रही है, वो चैन से जी नहीं पा रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। हो सकता है कि मे बी यहाँ थर्ड पार्टी की एंट्री की यहाँ बात हो रही है, थर्ड पर्सन भी आप लोगों के बीच में हो सकता है, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल कार्ड आया। ऑफ कोर्स यहाँ पे थर्ड पार्टी की बात हो रही है, उस थर्ड पार्टी के साथ जो थे चले गए थे, उन्होंने मूव ऑन कर लिया था, बट फिर भी जो है उन्हें शांति नहीं मिली, उन्हें पछतावा हो रहा है। लाइक उन्होंने आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं उन्होंने यहाँ पर चीट किया है, उन्हें धोखा दिया है, एक तरीके से मैं बात कर सकती हूँ। तो ऐसी एनर्जी शो हो रही है मुझे, ठीक है। बट डोंट वरी, वो जो है वापस आने की प्लानिंग कर रहे हैं, खुद को इमोशनली जो है वो बैलेंस कर रहे हैं, और आपके सामने आके मेंटली क्लियर हो गए कि उनको अब सच में क्या चाहिए, उन्हें क्या चाहिए आपको, आपसे या फिर इस रिलेशनशिप से आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर आके जो है आपको प्रपोजल दे सकते हैं, लाइक आया था ना सिक्स ऑफ कप के एनर्जी बोर्ड ऑफ डेक से एंड पेज ऑफ कप।
लाइक ऑफर लेके जो है आपके पार्टनर जो है यहाँ पर आ सकते हैं। खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, एक तरीके से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो है सामना करना है उन्हें, क्योंकि उन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत बुरा किया था और उसका फल भी जो है उन्हें यहाँ मिल चुका है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और उनका रिलेशनशिप बेटर चल रहा है, तो उनकी लाइफ में बहुत सारा प्यार जो है फिर से स्टार्ट हो रहा है उनकी लाइफ में। फिर से एक तरीके से बात कर सकती हूँ, जो उथल पुथल मच रही थी, काफ़ी काम चल रहा था, परेशान थे, वो एक तरीके से उनकी लव लाइफ फिर से जो है स्टार्ट हो रही है, फिर से ट्रैक पर आ रही है, फिर से बैलेंस आप जो है अपनी लव लाइफ में बिठा पा रहे हैं। ठीक है, अब जो है आपने रिलेशनशिप में वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पर्सन है यहाँ पे, कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को जो है यहाँ पर जो बहका रहा था, फुसला रहा था आपके खिलाफ, पर जो आपके पार्टनर है वो उन्होंने उनकी बात यहाँ पे नहीं सुनी है, क्योंकि उन्हें आप पे ट्रस्ट है, वो आप पे विश्वास करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो डिवाइन एनर्जी पे बहुत बिलीव करता है, लाइक एक पर्सन है जो स्पिरिचुअल है बहुत ज़्यादा, आप दोनों में से कोई एक ही पर्सन है यहाँ पर जो बहुत बिलीव करता है यूनिवर्स की एनर्जी पे, भगवान पे, देवी देवता पे, उन्हें विश्वास है कि आप जो है उनके लिए ही बने हैं, आप उनके लिए सही है, और उन्हें ट्रस्ट है कि एक ना एक दिन आप जो है उनके पास आएंगे। ठीक है, ये एनर्जी है एक तरीके से यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की तरफ से। तो गिल्ट की एनर्जी महसूस हो रही है मुझे, बट फिर भी वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है कुछ और हम और भी चीज़ें चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए, तो ये कार्ड हमारा आया है स्कॉर्पियो। आप जिस पर्सन के साथ बात कर सकते हैं, लाइक स्कॉर्पियो की एनर्जी तो यहाँ पर है ही। दिस एनर्जी इज इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल, मैग्नेटिकली चार्मिंग, बट ऑल्सो क्रिएटिव एंड पॉजिटिव। यहाँ बात हो रही है कि जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा ही, एक तरीके से कह सकते हैं चार्मिंग एनर्जी है ये, चीज़ों को छुपा के रखते हैं एक तरीके से इन्होंने, लाइक इनके अंदर ईर्ष्या तो है, जलन तो होती है जब भी आप किसी के साथ देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन तो होती है, बट शो नहीं करते हैं एक तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस एनर्जी की जो है बात हो रही है। नेक्स्ट कार्ड हमारा यहाँ पर है द सन। योर इमोर्टल स्पिरिट पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन योर, यस, आपकी जो डेस्टिनी है वो ऑलरेडी लिखी हुई है इस पर्सन के साथ, तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। अगर आपको डर लग रहा था आपको आपके पार्टनर की तरफ से कि कहीं आपको छोड़ के निकल ना जाए, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट कार्ड हमारा है योर एसेट फाइनेंशियल एंड द थिंग्स डैट यू वैली। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस रखें, अपने एसेट को, आपके जो मेन चीज़ है अपने फाइनेंस पर फोकस करें, अपनी स्टेबिलिटी रखें, ताकि आप जो है आपको किसी और पर्सन के सामने जो है झुकना ना पड़े। ठीक है, आप खुद को बैलेंस रखें, ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है। अगर मैं बात करती हूँ ओवरऑल यहाँ पर आपकी एनर्जी के बारे में, आपके पार्टनर के लाइक करंट फीलिंग के बारे में, जो भी उनकी करंट एनर्जी है यहाँ पर, तो गिल्ट की एनर्जी है ऑफकोर्स यहाँ पे। ठीक है, और साथ साथ जो है वो आपके साथ जो है लाइक अगर थर्ड पार्टी की एंट्री थी तो उन्हें उनसे धोखा मिला है, जो भी जिस पर्सन की उनके गॉसिप चल रही थी, जो लोग भी आपके खिलाफ उन्हें भड़का रहे थे, तो उन्हें भी जो है यहाँ पर उनका कर्मा मिलेगा, लेसन सबक मिलेगा, और क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया है कि उन लोग उन्होंने उनकी बातें सुन के जो आपका दिल दुखा है, आपको तकलीफ दी है, वो उन्होंने सही नहीं किया है, क्योंकि उन्हें ये बात अब फील हो रही है, और मेंटली कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है परेशानी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, रातों को सो नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ये कार्ड आया था, एंड अगेन वो जो है न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इसलिए आपके पास वो आ रहे हैं इस प्रपोजल को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपकी सोलमेट की एनर्जी है। सोलमेट लाइक कहीं पर भी कोई ना अलग हो जाए, एक ना एक दिन तो उन्हें मिलना ही होता है यहाँ पर, एक तरीके से मैं बात कर सकती हूँ। तो